बहुत खुश है कि बस है, आई थिंक कश्मीर से जब हमने एक दो चीज़ें ट्वीट करी थी वहीं से समझ में आ गया था कि बस बहुत होने लगा फिल्म के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक इट्स अ सलमान खान फिल्म, आई एम रियली हैप्पी कमिंग बैक विद हिम आफ्टर एक था टाइगर, तो होपफुली टाइगर से भी ज़्यादा बज होना चाहिए और जो अभी रिएक्शन अभी मिला फैन से आई थिंक उससे ज़्यादा ही बज होगा। इलेक्ट्रिक इनसाइड, आई थिंक दे लव द प्रोमो और उनके लिए एक दिन एडवांस में उन्होंने देखा जो आई थिंक बहुत एक्साइटेड है। नो सलमान वाज नेवर मेंट टू बी हियर, दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड टू दैट, एवर सिंस ही केम बैक फ्रॉम कश्मीर आई वाज एक्चुअली लिटरली गेटिंग ट्रोल्ड एंड अब्यूज्ड बाय द फैंस कि क्यों नहीं दिखा रहे आप, क्यों नहीं दिखा रहे, सो आई वाज कांस्टेंटली इन टच विद देम एंड वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट लाइक अ फैन फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस फिल्म, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड लेट्स डू अ कॉन्टेस्ट, लेट्स सेलेक्ट 50 फैंस and give them the privilege of seeing the trailer 24 hours before anybody else sees it, so I think that's, it's been worth it. I think they'll go and they'll create the buzz outside now. Not really, I think that's something we have to take in our stride. I think we're just going ahead and planning the way we would normally plan a campaign for a film, so I don't think any other extraneous factor is playing on our mind. We're just sort of happy with the film we've made. Both Salman and I are really happy and excited about the film that we've made, and once people see the teaser promo they'll realize the context of what we're talking about, and we're just going about and just putting it out there.